I'm dealing with better. But it's a German medical herbal. तो यहाँ पर हमने बना दिया है नाश्ता भैया और मैंने। हेलो तो ये देखिए गाइस इतना सारा सामान लेके आए हैं पापा जी। तो बहुत मेहनत करने के बाद तो जो आखिरकार आ ही गया बेड पर, और ये मेरी टांगों को तकिया बना करके लेटा हुआ है। हेलो तो क्या कर रहे थे? तो अभी यहाँ पर पापा लगा रहे हैं भैया के सर में तेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केटी व्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे व्लॉग को देखने के लिए ज़रूर निकालिएगा। मैं हूँ खुशबू तोपाल और आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ। तो आज है 10 अगस्त 2024। तो आज मेरे पापा जी घर आएंगे छुट्टी। तो भैया और पापा लगभग 3 ईयर्स और 7 मंथ्स के बाद मिल रहे हैं, तो इस मौके पर एक व्लॉग तो बनता है। तो आज जो जो होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं नहा चुकी हूँ, बस मैंने हेयर वॉश नहीं किया, ऐसे लग नहीं रहा होगा। तो मैं ऊपर छत में कपड़े सुखाने के लिए डालने आई थी, और अभी नीचे जाके मैं बनाऊँगी सैंडविचेस, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आज का मौसम, पूरे बादल लगे हुए हैं, बारिश नहीं आ रही है लेकिन पूरे बादल लगे हुए हैं। तो आज थोड़ा उमस होगी, आप देख सकते हैं पूरा आसमान बंद है, धूप भी नहीं दिख रही है आज तो। और इस तरफ काफ़ी ज़्यादा घने बादल है, लगता है इधर साइड बारिश हो रही होगी या फिर बारिश आएगी यहाँ से। अभी मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स चॉप कर दी हैं, साथ में मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी। तो अभी बनाते हैं सैंडविच। तो यहाँ पे असिस्टेंट भैया मेरी हेल्प कर रहा है। असिस्टेंट भैया तो ये हमने अलग फीलिंग बनाई है, और ये हमने अलग फीलिंग बनाई है टेस्ट को थोड़ा चेंज करने के लिए। तो अब इनके बनाएंगे हम सैंडविचेस। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, इसमें नॉर्मल मेयोनीज है और थोड़ा क्रीम है, और साथ में इसमें नमक और काली मिर्च है, ब्लैक पेपर और चाट मसाला वगैरह। भैया पता नहीं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और मैंने यहाँ पर इसमें बस ऐड किया है ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ट्राई करने के लिए, उसके अलावा बाकी सब सेम है। तो देखिए गाइस हमारे पास ब्रेड ख़त्म हो गया था, तो हम यहाँ रोटी में बना रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ टॉर्टिला रैप। तो यहाँ पर हमने बना दिया है नाश्ता भैया और मैंने। तो ये सैंडविच अलग है, ये अलग है, ये जिसमें हमने वो सॉस डाली है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और ये बचा हुआ था इसका फिलिंग, तो हमने ये टॉर्टिला रैप टाइप का बना दिया है रोटी में। बिल्कुल क्रिस्पी हो गया ये, अब इसको खा के दिखाएंगे हम आपको। तो बताइए nice, well done. चिली सॉस के साथ खाएंगे, मजा आ जाएगा। तो भैया आपका प्लेट मुझे साफ होते हुए नजर आ रहा है, आप बताइए प्लीज अपनी टिप्पणी दीजिए। टिप्पणी ये नहीं होता, बोलना। बहुत टेस्टी होगा, खाली जाते हैं मार्केट। खैर मैं तो मार्केट सैंडविच खाता भी नहीं हूँ, कौन सा अच्छा होता है, रेड वाला या फिर व्हाइट वाला? भाई व्हाइट वाला ज्यादा बेटर होता। और टॉर्टिला कैसा होता? रोटी जैसा होता है, लाल लाल में जाके ना अच्छा नहीं। बड़े तो और था, तो नमक नहीं डाला उसमें, बस अब बजाने जाएंगे। हां सैंडविच खाना बजाने जाएंगे, 10 रुपए इसको देंगे, 10 रुपए दे देंगे इसको एक बारी में, तब बना दे।
तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए और अब मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कॉलेज से आने के बाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बज रहे हैं दिन के और मैं अब घर पहुंच रही हूँ, तो बीच का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने मम्मी और भैया को बोला था, लेकिन क्या पता, मुझे लगता नहीं है इन्होंने शूट किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ होगी वीडियो क्लिप्स तो मैं बीच में ऐड कर दूंगी। तो मैं तो अभी पहुंच रही हूँ कॉलेज से घर, तो अभी खाते हैं पहले खाना, उसके बाद 4 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, तो मुझे उससे पहले अपना खाना फिनिश करना है। तो देखते हैं क्या बना है आज खाने में, क्योंकि खाने का वीडियो तो उन्होंने नहीं लिया, ये पहले ही बोल दिया उन्होंने कि खाने का वीडियो नहीं लिया है हमने। तो मैं देखती हूँ क्या क्या बना है और मेरे लिए क्या क्या बचा हुआ है। तो मिलते हैं खाने पे। तो जो हेलो, किसके बीच बैठा है तो जो अब तो पापा आ गए, अब वो किसी और को बिल्कुल नहीं देखेगा। तो खाने में आज बना है राजमा चावल, साथ में दही है, सैलेड है और अचार है। इसमें एक और चीज़ थी, करेले की सब्जी, जो कि इन्होंने खा दी है और मैं नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए नहीं बची है। तो आप खाते हैं खाना। तो जो पापा के साथ ना बिल्कुल ऐसे करता हो, सूंघने दो, उसे कुछ नहीं करता हो। सामानों को निरीक्षण किया जा रहा है टोजो के द्वारा। बस पापा से बिल्कुल नहीं डरता हो। टोजो भैया यहाँ से भगा रहा हो, वहां से निकल रहा, वहां से भगा रहा, यहाँ से निकल रहा। तो ये देखिए गाइज, इतना सारा सामान लेके आए हैं पापा जी। इसमें हैं बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, ये तो हमेशा का मैंडेटरी है, और ये खजूर, साथ में ग्लूकॉन डी, बॉर्नविटा, कुछ बिस्किट, ये है बनाना के चिप्स, पास्ता, ग्रीन टी, तेल, शैम्पू हमारे, और ये हरी दर्शन, क्या क्या बोलते हैं इसे, कपूर तो ऊपर वाला है ना, कैम्फर नीचे, धूप, सॉरी आई नहीं ना मुंह में तब से। तो ये सारा ऐसे ही, ये वाला तो घर गृहस्थी का सामान, ये खाने पीने का सामान। इधर देखो, इधर हेलो कर दो, हेलो गाइस कर दो, अरे ढंग से करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर दीदीज चैनल, केटी व्लॉग्स, गुड। तो भैया बना रहा है यहाँ पे चाय। तो यहाँ पर तो जो बैठ चुका है बिस्किट खाने के लिए, और ये मम्मी के हाथ पे देख रहा है लालच भरी निगाहों से। और आज हम काफी समय बाद, भैया इस तरफ आना था तूने, तो काला आ रहा, ए
आज हम लगभग 3 ईयर्स और 7 मंथ्स बाद सारे चारों नहीं पांचों टोजो के साथ हाँ काउंट किया ना हम कर रहे थे है ना मम्मी हाँ पूरे 3 साल और 7 महीने बाद हम चारों नहीं हम पांचों बैठ करके चाय पी रहे हैं। ओरी इज मिसिंग। तो बहुत मेहनत करने के बाद टोजो आखिरकार आ ही गया बेड पर और ये मेरी टांगों को तकिया बना करके लेटा हुआ है। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैंने ट्यूशन भी पढ़ा दिया और हमने सबने साथ में मिलकर के चाय भी पी ली थी और अभी मैंने आटा भी लगा दिया है और मम्मी अभी लौकी के कोफ्ते बनाएगी शाम के लिए। तो मम्मी उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है। मैंने आटा थोड़ा जल्दी गूंद के रख दिया क्योंकि मुझे और काम थे बाकी। और अभी तक हम गप्पे ही मारे थे सब बैठ करके। तो अभी तो पापा गए हैं टोजो को लेकर के, बाकी भैया भी गया है वॉक पे और मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी ग्रेट कर रही है लौकी को, यानी कि कद्दूकस कर रही है। यहाँ पे रखा हुआ है तेल कोफ्ते बनाने के लिए। ऐसे थोड़ी होता मतलब ये वीडियो भी चल रही तेरी मुझे पता है ना कभी आओगे तब खोले मैं तो अभी टाइम हो रहा है 9:24 और अभी हमारा यहाँ पर डिनर लग चुका है। डिनर में आज है कोफ्ते, यहाँ पे सैलेड है, अचार, रोटी और साथ में है मीठे में सिवई। तो खाइए, शुरू कीजिए। और मेरे पापा बंडी में बैठे हुए हैं। आज हम बहुत टाइम बाद, कई सालों बाद हम चारों बैठ करके खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा क्या है? आज मम्मी ने ज्यादा प्यार से बना दिया। और हाँ, मेन बात तो ये है, ये जो कोफ्ते बने हुए ये घर की लौकी से बने हुए। क्या बोला मम्मी आपने? मम्मी क्या बोला आपने? मेरी बहुत पसंद आई वो सब। अब जो रस्मी मेरे भाई जैसे कोई नहीं बोला बेटा बाहर। ओह माय गॉड मम्मी, वैसे तो मम्मी बुढ़िया बुढ़िया बोलती रहती है और अभी अभी जवान बना दिया। तो अभी 9:46 हो चुका है, हमने खाना खा लिया, मैंने बर्तन धो लिए, भैया गया है टोजो को वॉक पे लेके और मम्मी और पापा बाहर टहल रहे हैं। तो हम भी चलते हैं बाहर। मेरी बेइज्जती क्यों मारते हो? हेलो, क्या कर रहे थे? कुत्ता ऐसे तो होता जानवर, जितने आदमी हो उतना खुश होता है। किस जीभ लटक गई उसकी? मुझे तो ज्यादा अच्छी है फ्रेंड। तो अभी मैंने ब्रश कर लिया और फेस वॉश भी कर लिया। मम्मी ने भी ब्रश किया, फेस वॉश किया, भैया ने ब्रश नहीं किया, सिर्फ फेस वॉश किया और पापा ने वो भी नहीं किया। पापा ने बस हैंड वॉश किया। तो अभी भैया करेगा अपना स्किन केयर जो मैंने उसे सिखाया है। इसको लगाना है, उसको लगाना है, देन उसको लगाना है। मत बना यार वीडियो। क्या स्किन केयर इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड एक्टिविटी, इट इज। तो अभी यहाँ पर पापा लगा रहे हैं भैया के सर में तेल।
भाई कैसा फील हो रहा है आपको? ओ देखो अभी तो असली खतरनाक चीज नहीं हुई। कान के बटन बन गए घुमाने वाले। खोपड़ी कान बिल्कुल लाल ना हो जाए तो पता कैसे चलेगा पापा तुम्हारे। ओके बाय बाय गुड नाइट टाटा। लगो अपने अपने ट्रकों में। ट्रक चलाओ अब। वो देखो चलाने लग गए। तो अभी सब कुछ डन हो गया है और अब हम सोएंगे। थोड़ा मेरा नोट्स बचा हुआ है, मैं वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से रहा। ये व्लॉग थोड़ा छोटा बनेगा और व्लॉग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि बीच में मेरा कॉलेज का टाइम था तो उस टाइम पीरियड में मैंने नहीं बनाया व्लॉग, तो इस वजह से। तो व्लॉग तो मैं अपलोड करूँगी ज़रूर, क्योंकि इट्स मेमोरेबल डे फॉर अस, क्योंकि इतने टाइम बाद हम सब चारों एक साथ हैं। तो इसीलिए तो मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।